नमस्कार मित्रों, सक्सेस वाणी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम PFI के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह काफ़ी चर्चित विषय रहा है पिछले कुछ सालों से, खासकर जब 2019 का CEA मोमेंट आया और उसमें इसका नाम शाहीन बाग में खुलकर आया कि कोई एक संगठन PFI है जो इस मोमेंट को लीड कर रहा है। तो मित्रों, यह एक चर्चा का विषय है और जानना भी आवश्यक है कि अब वास्तव में PFI है क्या और आखिर यह क्यों चर्चा में आई। क्या यह एक सिमी जैसा संगठन है जिसे 2006 में सरकार ने बैन कर दिया था, या यह जो संगठन अपने आप को बताता है, जो इसके कार्य करने की शैली है, हक और हुकूक की बात करता है, ये वही संगठन है। तो इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो ये हम जाने कि जो चर्चा में क्यों है, तो इस पर जो है समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। सन 2012 में केरल हाईकोर्ट ने PFI की गतिविधि को बोला था कि यह देश के लिए हानिकारक है। शाहीन बाग आंदोलन, चाहे कर्नाटक में हिजाब विवाद हो, चाहे यूपी में CAA को लेकर कोई विवाद डिस्प्यूट हुआ हो, चाहे हाल फिलहाल बिहार में जो भी विवाद आया है PFI को लेकर, उससे तो केंद्रीय एजेंसी जो है उसके कान खड़े हैं। और यह संगठन पे काफ़ी जांच चल रही है, क्योंकि किसी भी संगठन को बैन करने का एक आधार होता है। तो आइए जानें कि PFI का फुल फॉर्म क्या होता है। PFI का फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। इसका गठन 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के नाम पर हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के शाहीन बाग में है। PFI स्वयं को क्या कहता है, खुद को न्याय, आज़ादी और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला नव समाज आंदोलन के रूप में बताता है। इसके बहुत सारे शाखाएं हैं जो बहुत सारे राज्यों में फैली हुई हैं। इनके अपने एक डिसिप्लिन वर्कर हैं, जैसा कि ये स्वयं कहते हैं, जो कार्य करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि शाहीन बाग CEA के मूवमेंट को लेकर जो एक माहौल बना PFI के खिलाफ, आज हम देख रहे हैं कि लगातार इन पर छापे पड़ रहे हैं। 12 राज्यों में छापे पड़े हैं। इनको देख के लग रहा है कि आने वाले समय में, जैसा कि कई राज्य इनको बैन कर चुके हैं, आने वाले समय में इनका हश्र सिमी की तरह होगा। जैसे सिमी को 2006 में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था, और हो सकता है कि मे बी इनको भी बैन कर दिया जाए, क्योंकि हमें जानना आवश्यक है, बैन करने का आधार तभी होता है जब वह समाज के लिए हानिकारक हो, देश की एकता अखंडता के लिए हानिकारक हो। तो ऐसे किसी भी संगठन को केंद्र सरकार बैन लगा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा, PFI के बारे में जानकारी हुई होगी। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।